अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। दोस्तों इस वक्त ये जो राउंड अबाउट और ये जो सिग्नल है ये है इसका शाहीन कॉम्प्लेक्स का। ये पूरा चारों तरफ से जो है ना यहाँ पर सिग्नल हैं लेकिन काम करते हैं कभी नहीं करते। ट्रैफिक आती है जाती है, उल्टी सीधी जाती है। आई चंद्रीगर रोड कहलाता है ये, जो कि सीधा जा रहा है किमाड़ी की तरफ। और आज हम आपको लेके जा रहे हैं खारादर, और खारादर में हम एक कोई वीडियो बनाने जा रहे थे तो सोचा क्यों ना यहाँ से शाहीन कॉम्प्लेक्स से खारादर के अंदर गलियों के अंदर भी जो है ना थोड़ा सा आपको व्यू दिखा दें। उल्टे हाथ की तरफ सारे प्रेस वाले बैठे हुए हैं, जंग प्रेस का ऑफिस है उल्टे हाथ की तरफ। और ये जो सामने आपको बोर्ड नज़र आ रहा है ग्रीन ब्लू कलर का, यहाँ से जो ट्रैफिक आ रही है जा रही है ये सीधे हाथ की तरफ, ये जा रही है सीधा पीपल्स स्क्वायर की तरफ और सदर की तरफ, ये सीधा टावर किमाड़ी और गुलबाई शेरशाह और पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है ये रोड। बलोचिस्तान की तरफ भी जा रहा है ये रोड। अगर हम नेटी जेटी का ब्रिज पे चढ़कर अगर हम सीधे हाथ की तरफ टर्न लें तो वो सीधा गुलबाई से होता हुआ सीधा बलोचिस्तान की तरफ जा रहा है ये रोड। तो यहाँ से अक्सर लोग यहाँ से भी जाते हैं। हम लोग जब गए थे तो ये हॉक्स बे की तरफ तो इसी रूट से गए थे, लेकिन वो बहुत पहले की बात है। तो सामने आपको एमसीबी की बिल्डिंग नज़र आ रही है सीधे हाथ की तरफ। उल्टे हाथ की तरफ जितनी भी ये दीवार चल रही है ये सारी जो है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान की सिटी स्टेशन है, ये उसका रेलवे सिटी रेलवे स्टेशन है उल्टे हाथ की तरफ सारा। और ये सीधे हाथ की तरफ अगर मैं टर्न लूँ तो ये जा रहा है इधर मार्केट है, इधर कौन सी मोबाइल मार्केट भी है जिसे कौन सी कहते हैं जहन से निकल गई। सामने आपको हबीब बैंक प्लाजा नज़र आ रहा है। यहाँ पर हबीब बैंक प्लाजा से पहले जो ये टर्न आ रहा है ये वाला, यहाँ पर सारे कंप्यूटर वाले और ये प्रिंटर वाले बैठे हुए हैं। उल्टे हाथ की तरफ अभी भी जो है ना ये सिटी स्टेशन का वो चल रहा है, सिटी स्टेशन चल रहा है। यहाँ पर ट्रेनें जो है ना मुख्तलिफ शहरों में जाती हैं यहाँ से होती हुई। और ये हबीब बैंक प्लाजा सीधे हाथ की तरफ आपको ये छोटा सा नजर आ रहा है, कैमरा मैंने घुमाया नहीं ऊपर। खैर ये सीधा रोड जा रहा है खारादर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। जा तो कहीं जगह पर आए, मुख्तलिफ एरियाज में जो है ना ये लिंक करता है। UBL की बिल्डिंग भी है यहाँ पर, MCB की बिल्डिंग भी है, स्टेट बैंक भी यहीं पर है। आई चंद्रीगर रोड कहलाता है ये, और ये अक्सर जो है ना जाम रहता है, लेकिन उस वक्त जब शाम का टाइम होता है तो इतना जाम रहता है, लेकिन वो ज़्यादा से ज़्यादा एक घंटा जाम रहता होगा क्योंकि सारे ऑफिसेज यहीं हैं, सारे बैंक यहीं हैं, जिसकी वजह से मुलाजमीन जो एम्प्लॉयज़ हैं वो सारे यहीं से अपनी अपनी गाड़ियों में मोटरसाइकिलों पर जब गुजरते हैं तो रश लग जाता है, जो कि 5 बजे के बाद तो वैसे छुट्टी होती है जिसकी वजह से रश लग जाता है। तो कई लोग सुकून से जाते हैं ऑफिस में बैठे रहते हैं तो वो आराम से 6 बजे के करीब निकलते हैं तो सुकून से पहुंच जाते हैं। ये देखें ये पाइप कहाँ पड़े हुए, कचरा वचरा देखें, कहाँ मोटरसाइकिलें खड़ी की हुई हैं, ये देख रहे हैं आप। ये सारा जो है ना यहाँ पर कोई हाल नहीं है कराची का। उल्टे हाथ पे CPO बिल्डिंग, ये सीधे हाथ की तरफ जो टर्न ले रहा है ये भी उधर खोड़ी गार्डन की तरफ जा रहा है। रेड बसों के ऊपर मुख्तलिफ किस्म के जो है ना बैनर लगा दिए गए हैं, जो कि बिल्कुल ही नजर नहीं आती कि ये रेड बस चल रही है या कौन सी बस चल रही है। मुख्तलिफ किस्म के आपको जो है ना रूट के ऊपर बसें चलती हुई नजर आएंगी, लेकिन सबके ऊपर जो है ना बैनर लगे हुए, किसी के ऊपर जो है ना नहीं लगे हुए, हो सकता है आने वाले दिनों में उस पर भी लग जाए। अब ये नहीं पता कि इनके जो ये ठेके होते हैं, जो कंपनियां ठेके करवाती हैं, जैसे अब ये है ये रेड लाइन रेड बस देखें इसके ऊपर भी लगा हुआ था। अब ये कितने महीने का जो है ना इनका जो है ना एग्रीमेंट होता है ये नहीं पता, और कितनी चार्जेस लेते हैं इसका कुछ नहीं कह सकते। ये दोस्तों आ चुका है मेन चौक उसका खारादर का, जहाँ पर ईदी फाउंडेशन भी है, बिल्किस ईदी फाउंडेशन। ये पिंक कलर की बस देखें टावर से चलती है, जो कि ख्वातीन के लिए मखसूस है।
सामने आपको EFU की बिल्डिंग नजर आ रही है, वो छोटा सा आपको ऊपर मीनार नुमा सा नजर आ रहा है। ये दोस्तों सीधे हाथ की तरफ अब्दुल सत्तार ईजी फाउंडेशन है और हमने लेना है टर्न सीधे हाथ की तरफ जो कि खारादर की तरफ जा रहा है। बड़ा ही मशहूर खारादर का फूड स्ट्रीट भी है, किसी दिन हम यहाँ पर वीडियो बनाएंगे खारादर फूड स्ट्रीट की। सामने रेड लाइन बस गुजरती हुई खूबसूरत मंजर पेश करती हुई जा रही है और यहाँ से हम लेफ्ट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, राइट से लेफ्ट, लेफ्ट और ये ओ, और ये हम निकले थोड़ा सा रक्षे ने हमें तंग किया हमने ओ हो हम यहाँ जाने लगे थे लेकिन गलत हो गया हमने जाना है इस वाले रूट से नहीं जाना, ये सीधा जा रहा है इधर ली मार्केट की तरफ, लेकिन हमने जाना है इस तरफ, यहाँ से हमने इस गली में जाना है। ये है गली फूड स्ट्रीट की जहाँ पर अल रहमान बिरयानी वगैरह बड़े मशहूर हैं। यहाँ पर सीधे आपको नजर आ रहा होगा ये अल रहमान बिरयानी वाले आएंगे अभी। ये है दोस्तों ये सीधे हाथ की तरफ, ठीक है, और सीधा ये फूड स्ट्रीट है खारादर की, बड़ी ही मशहूर। रात भर जो है ना यहाँ पर खाने खाबे और कुकड़, मुर्गियाँ, बकरे, गायें, भैंसें सब चलता है यहाँ पर, बहुत रश रहता है यहाँ पर, रात को भी बहुत रश रहता है, सारी रात खुला रहता है, होटल सारे खुले रहते हैं। ये एक छोटी सी फूड स्ट्रीट थी, इससे आगे करके जो है ना और बड़ी फूड स्ट्रीट है जो कि अभी मैं जिस जगह जा रहा हूँ वहाँ से मैंने जाना है सीधे हाथ की तरफ, लेकिन मैं उल्टे हाथ की तरफ का बता रहा हूँ कि उल्टे हाथ पे बहुत बड़ी फूड स्ट्रीट है। ये सारी फूड स्ट्रीट ही चल रही है लेकिन थोड़ी छोटी छोटी चल रही है किसी किसी जगह पे जो है ना बैठे हुए। अब ये खारादर का मेन जो एरिया है, गलियाँ, फ्लैट्स, पुरानी पुरानी सी बिल्डिंग बनी हुई ब्रिटिश दौर की, ब्रिटिश एरा, और ओल्ड सिटी एरिया कहलाता है, पुराना सिटी एरिया। तो यहाँ से होते हुए अब्दुल कुद्दूस यहाँ से होते हुए गुजरते हुए यहाँ से जो है ना अपनी बाइक दौड़ाते हुए गुजर रहे हैं और ये गुजरते गुजरते बच्चे ने हाथ दिया लेकिन हम फिर भी नहीं रुके और हम सीधा 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 रक्षे वालों ने बेड़ा पार किया हुआ है, उल्टे हाथ पे सारी फूड स्ट्रीट है और रक्षे वालों का बेड़ा पार किया हुआ है और ये सीधे हाथ की तरफ हमने जाना है जो कि क्लॉथ मार्केट, कपड़ा मार्केट, इकबाल मार्केट और गोल्डन मार्केट का एरिया कहलाता है। इस तरफ हमने जाना है और यहाँ से गली कूचों से होते हुए यहाँ पर कायदे आजम का घर भी है, क्या वो कौन सा क्या क्या बोलते हैं कायदे आजम का कौन सा मेंशन स्ट्रीट, पता नहीं, वजीर मेंशन भी है यहाँ पर, ये आपको देख रहे हैं आप सीधे हाथ की तरफ ये बिल्डिंग, ये वो कायदे आजम का वो मजस्मा बना हुआ है, तो ये वजीर मेंशन था घर उनका कायदे आजम का। तो ये रोड है जो कि उससे पेवर ब्लॉक से जो है ना बनाई गई है, अच्छी है, लेकिन जो मेन रोड है जैसे गुलिस्तान जौहर का अंडरपास बनाया गया है वो इतना खास नहीं है, लेकिन कई जगहों पर जो है ना इंजीनियर अच्छा काम करते हैं, कई जगह पर ठेकेदार जो है ना काम करते हैं लेकिन वो तेल पानी लगा के निकल लेते हैं पतली गली से। अगर उनको डंडा दिया जाए कि ये जो आप लगा रहे हो इसकी हमें गारंटी दो 10 से 15 साल की, अगर 10 साल में खराब हुआ तो आपको 1 साल कैद और अगर 1 साल में खराब हुआ तो आपको 10 साल कैद, ये होना चाहिए पाकिस्तान में कानून ताकि ठेकेदार ईमानदारी से काम करे और रोड और जो कारपेटिंग होती है बेहतरीन तरीके से हो, उनको अपनी सज़ा का भी जो है ना इलम हो कि अगर हमने काम ख़राब किया या टूट फूट का शिकार हुआ तो हमें सज़ा मिल सकती है और हमारा लाइसेंस जो है ना कैंसिल हो सकता है, मगर कौन पूछे। तो दोस्तों ये खारादर की गलियां, गोल्डन मार्केट, इकबाल मार्केट, कपड़ा मार्केट शुरू हो चुकी है, कपड़ा मार्केट, ये सारी हमने यहाँ से एक दो वीडियो बनानी है इधर, तो यहाँ पे वीडियो बना के जाएंगे हम कपड़ों वाली। ये सामने वो मेहंदी वाले कपड़े नज़र आ रहे हैं, इसकी बनाई थी हमने बहुत पहले वीडियो। तो ये न्यू मेमन मस्जिद आपको नज़र आ रही है सीधे हाथ की तरफ, यहाँ से हमने मोटरसाइकिल लगाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन हमें पार्किंग ना मिलने के बराबर। तो दोस्तों आगे की जानिब हमारा सफ़र ताकि हम अपनी मोटरसाइकिल को साइड पर लगा सकें,
जिसकी वजह से हमें फिर कोई परेशानी ना हो और हम अपनी मोटरसाइकिल लगाकर अपना काम बखूबी अंजाम दें। तो यहाँ पर मदरसे के बच्चे देखे जा रहे हैं, हमें मोटरसाइकिल की पार्किंग नहीं मिल रही, लेकिन हमारे साथ जो बैठा हुआ दोस्त था उसने कहा कि आइए आपको एक जगह ले चलता हूँ जहाँ पर मैं पार्किंग लगाता हूँ। तो चलें दोस्तों, वहाँ पर चलते हैं और देखते हैं कि ये साहब जो हमारे पीछे बैठे हुए हैं, ये आपको साए में भी नजर आ रहे होंगे, डबल शेड शायद नजर आए आपको। तो इन्होंने हमें कहा कि न्यू मेमन मस्जिद के बराबर में एक गली जा रही है जहाँ पर हम अपनी मोटरसाइकिल को पार्क कर सकते हैं, जो कि बिल्कुल सेफ साइड रहेगी। तो फिर हम अपनी मोटरसाइकिल लेके जा रहे हैं, इस गली के अंदर हम घुसेड़ देंगे। ये इस गली में जाना है, वो सीधे हाथ की तरफ, लेकिन हमने जाना है थोड़ा आगे से टर्न लेंगे और हम गली कूचों में होते हुए यहाँ से हम जा रहे हैं। ये सारा आपको जायनमाज और ये सारा एहराम वगैरह हज के हिसाब से सारा सामान यहाँ से आपको मिलता है। हाथ गाड़ियाँ चल रही हैं, कालीन वगैरह मिलते हैं, सब कुछ यहाँ पर दस्तयाब है। ये पुलिस कॉलोनी है शायद, सीधे हाथ की तरफ ना पुलिस कॉलोनी है, जहाँ पे हमने बाइक अपनी पार्क करनी है। थोड़ा सा आगे से टर्न लिया हमने, लेकिन वो गली वो थी जहाँ से हमने जाना था। एक मिनट, ये आपको बताते हैं गली, हमने इस गली में हमने जाना है, गेट खुला हुआ है, लोगों को पार्किंग यहाँ पर लगाना अलाउ नहीं है, लेकिन हमारी यहाँ पर दोस्त यार है जिसके घर के बराबर में हम लोग मोटरसाइकिल लगा लेते हैं, जिसके घर के करीब हैं, जिसकी गली में जो भी है लगा देते हैं। तो ये गलियों से होते हुए हम पार्क करेंगे अपनी मोटरसाइकिल को। तो दोस्तों यहीं से चाहेंगे इजाज़त। ये था गोल्डन मार्केट का इलाका जहाँ पर हम अपनी मोटरसाइकिल लगाएंगे और अपना काम करके वापस हम अपनी मंजिल की जानिब रवाना हो जाएंगे। तो इजाज़त चाहते हैं दोस्तों, अल्लाह हाफिज़।